गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने दो रेखाओं के बीच का कोण देखा था कि अगर हमारी कोई दो रेखाएं हैं उनके बीच जो एंगल है थीटा एंगल, उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर दो रेखाएं दी हुई हैं तो उनका कोई अगर एक प्रतिच्छेद बिंदु है, थोड़ा सा डिस्कस हुआ था कल, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारा जो हेडिंग है दो दी गई रेखाओं के का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी अगर हमारी कोई दो रेखाएं हैं, ओके, कोई दो रेखाएं हैं और वो कहीं एक बिंदु पर काट रही है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो हमको ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है। ओके, सपोज हमारी कोई दो रेखाएं हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, पहली रेखा ये हो गई इक्वेशन इसकी। सेकंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, सेकंड इक्वेशन ये होगी। अगर अब ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यह बिंदु सपोज हमारा पी है, तो इस बिंदु के हमारे जो निर्देशांक होंगे वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग को आज ये सीखना है। तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले हम लोग x1 के निर्देशांक फाइंड करते हैं। x1 के निर्देशांक फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं b1 c2, यानी कि x1 जब फाइंड करेंगे तो इस टर्म को नहीं टच करेंगे, y1 और जो y और कांस्टेंट जो दिया होगा उसको टर्म, उसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, ओके, इज इक्वल टू वाई वन अपॉन सी वन ए टू, जब वाई वन का हो गया तो सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू इज इक्वल टू वन अपॉन हम लोग देखेंगे वन अपॉन, अब वन अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। ओके, तो ये हमारा बेसिकली पॉइंट को फाइंड करने का, ये इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिख के फाइंड करेंगे। और जब नॉर्मल हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले x1 को क्या करते हैं वन के इक्वल कर लेते हैं और फिर y1 को हम लोग क्या करते हैं वन के इक्वल कर लेते हैं, तो हमको x1 और y1 के हमको निर्देशांक मिल जाते हैं, यानी कि वह बिंदु मिल जाता है जहां पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। ओके, तो जब इन दोनों को हम लोग इक्वल में करेंगे तो x1 अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू वन अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो x1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो यह अपॉन में आ जाएगा, तो यानी कि x1 की वैल्यू जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, ये हमारे क्या होगा x के निर्देशांक। इसी तरीके से अगर हम लोग y के निर्देशांक फाइंड करें तो क्या हो जाएंगे, y के निर्देशांक हो जाएंगे c1 a2, ये उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ये हो जाएगा हमारा। ओके, सिंपली तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ कार्टेशियन प्लेन, हुज वर्टिसेस आर माइनस फोर कॉमा फाइव, जीरो कॉमा सेवन, फाइव कॉमा माइनस फाइव एंड माइनस फोर कॉमा माइनस टू, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा है ये, लाइन से रिलेटेड। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द इन अ कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस, जिसके शीर्ष दिए हुए, एक चतुर्भुज का निर्माण करिए
जिसके शीर्ष दे रखे हैं माइनस चार कॉमा पांच, जीरो कॉमा सेवन, फाइव कॉमा माइनस फाइव और माइनस फोर का माइनस टू. फाइंड इट्स एरिया, यानी कि उस चतुर्भुज का हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है. सबसे पहले हम लोग उस कार्टेशियन प्लेन में उसका फिगर देखेंगे. जो ये पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंट के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में एक फिगर ड्रॉ करेंगे. तो फिगर को हम लोग इधर ही इसके बगल में ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाए. ओके, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं. हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. नाउ ये हमारा ओरिजिन हो गया. अब हम लोग देखेंगे ये हमारा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डैश एक्स, ये वाई एंड दिस इज वाई डैश. ओके, नाउ दिस पॉइंट इधर हमारा पॉजिटिव रहेगा एंड अदर साइड निगेटिव. सो इधर हो जाएंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, इसको अच्छे समझिएगा. माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर एंड माइनस फाइव, ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ओके, नाउ इधर माइनस में हो जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन. नाउ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन. अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है. सबसे पहला पॉइंट हमारा देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है माइनस फोर कॉमा फाइव. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं माइनस फोर कॉमा फाइव. तो माइनस फोर कॉमा फाइव कहां पर होगा, माइनस फोर तो ये हो गया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और फाइव ये हो गया. तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव से ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे यहां से डैश डैश, और माइनस फोर को ऊपर की ओर बढ़ा के ले जाएंगे. तो जहां पर ये पॉइंट होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस फोर कॉमा फाइव, दैट्स डन. नाउ सेकेंड पॉइंट कह रहा है जीरो कॉमा सेवन, जीरो कॉमा सेवन. तो जीरो तो हमारा एक्स एक्सिस पर हो गया, सेवन हमारा वाई एक्सिस पे हो गया. तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा हो गया जीरो कॉमा सेवन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा फाइव कॉमा माइनस फाइव, यानी कि एक्स एक्सिस पे फाइव और वाई एक्सिस पे माइनस फाइव. तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फाइव को इधर की ओर बढ़ाएंगे. ये हमारा पॉइंट जो होगा ये हमको मिल जाएगा फाइव कॉमा माइनस फाइव. एंड इन द लास्ट पॉइंट गिवेन माइनस फोर कॉमा माइनस टू, यानी कि इस थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस फोर कॉमा माइनस टू, माइनस टू हमारा ये है. ओके, तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, दिस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड माइनस फोर कॉमा माइनस टू. नाउ अब हमको इससे क्या करना है, ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, देखिए हर पॉइंट्स को उस पॉइंट से मिला देते हैं, ठीक है. देखिए अब हमने क्या किया, जो हमको पॉइंट्स मिले थे उस पॉइंट्स को हमने मिला दिया, माइनस फोर कॉमा फाइव को जीरो कॉमा सेवन से, जीरो कॉमा सेवन को फाइव कॉमा माइनस फाइव से, और माइनस फोर कॉमा टू से. तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल. अब इसमें क्वाड्रिलेटरल को तो हम लोग इस तरीके से नहीं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास. ओके, नाउ तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग इसको हम लोग टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं. तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे इस बिंदु तक, तो ये हमारा ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाए. अब ये देखिए हमारा ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है. हम इसको पॉइंट बिंदु दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ये वाला पॉइंट है डी. ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हम दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो अगर हम लोग को निकालना हो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, देखिए ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, दोनों का एरिया हम लोग फाइंड करके ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा आंसर.
सबसे पहले हम लोग इस फिगर की हेल्प से फाइंड करते हैं एरिया किसका, एरिया हम लोग फाइंड करते हैं ट्रायंगल एबीसी का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए हमारे पास निर्देशांक हैं, ओके निर्देशांक हमारे पास कौन कौन से हैं, ए बराबर -4.5, बी बराबर 0.7 एंड सी बराबर है 5.-5। तो इस ट्रायंगल के लिए x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हमको मिल गए यहां से, ओके वैल्यू में पुट करेंगे तो हाफ फॉर्मूला होता है x1 y2 - y3 plus x2 y1 - sorry y3 - y1 and plus x3 y1 - y2। ये हो गया, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होगा हमारा सिंपली। अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, सिर्फ वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे। देखिए सिंपल है, यहां पर क्या आ गया, x1 क्या है -4, ओके y2 आ जाएगा, y2 है 7 और y3 है 5, y3 हमारा आ जाएगा माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू दी है 0, y2 की वैल्यू -5 प्लस x3 की वैल्यू है 5 y1 5 -7। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ओके तो ये हो जाएगा 7 5 12 - 4 12 4 48, है ना। तो इसको इधर से हम सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप, तो 1/2 × 4 × 12 - 4 था एंड प्लस 0, ये टर्म 0 हो गया और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 5.-2। दैट्स सॉल्व करेंगे 1/2 12 4 48 माइनस का और माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा 1/2 × -58, तो ये कितना हो गया, इसको कट करेंगे तो कट हो जाएगा 29, 2 × 4 = 18, तो ये आ गया -29। लेकिन वी नो दैट एरिया हमारा क्या होगा, माइनस में नहीं होगा, हम जानते हैं एरिया हम लोग माइनस में नहीं कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, सो द एरिया विल बी 29, ओके माइनस नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करने पर ये हो गया हमारा 29, ओके इसी तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालेंगे, यानी कि जो ए सी और डी है, तो ए सी डी के लिए ए हो गया हमारा -4.5, सी हो गए हमारे निर्देशांक 5.-5 और डी के निर्देशांक हो गए -4.-2। इज दैट क्लियर, ये हो गया हमारा। अब हम लोग उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमको मिलता है, x1 y2 - y3 प्लस, ये फॉर्मूले तभी याद होंगे जब इनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये फॉर्मूले ऐसे हैं जितनी बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमको आसानी से याद हो जाएंगे। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर x1 की वैल्यू है -4 एंड -5 +2 प्लस x2 की वैल्यू है 5, यहाँ पर -2 -5 प्लस x3 की वैल्यू है हमारी -4 5 और ये हो जाएगा -, -+ तो ये हो जाएगा 5, ओके ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट जो है इसी में अगर हम लोग बात करें सॉल्व करेंगे तो 1/2 -4 × -3 आ जाएगा, ओके प्लस 5 × -7 हो जाएगा प्लस -4 × 10, है ना, ये आ जाएगी वैल्यू। सो नाउ दिस इज 1/2 -4 - 12, ओके सॉरी ये प्लस का 12 आ जाएगा, -, -+ हो जाएंगे -35 और -40, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और सो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 - 75, ओके 40 50 70 5 75, तो ये आ जाएगा 1/2, सो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63/2, माइनस का आएगा लेकिन वही है माइनस साइन हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारा वो है एरिया, तो 63/2, ओके ऊपर हमारा कितना है 29 और नीचे है 63/2। सो
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी सॉरी ए सी डी है ए सी डी ओके क्लियर नहीं हो रहा है तो नीचे लिख देते हैं ट्रायंगल ए सी डी। तो हमने एरिया इसका निकाला था इसका 29 आया प्लस इसको हमने निकाला तो 63/2 आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 58 ओके 58 प्लस 63/2 तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 1, 6, 4, 10, 11, 12 121/2 स्क्वायर यूनिट ओके डन। तो यानी कि एरिया ऑफ एबीसीडी जो हमने बनाया था क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया कितना है 121 स्क्वायर यूनिट ओके। तो ये था इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ये लेंथी क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन था ओके तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सुनाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इंटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट। अब इसमें हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन दी है उसको रिड्यूस करना है इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट यानी कि प्रवणता के रूप में ठीक है। तो ए जैसे दिया हुआ है एक्स प्लस 7y = 0 तो यहां पर क्या कह रहा है एक्स प्लस 7y = 0 मीन्स जो प्रवणता का रूप है क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो उससे कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। सुनाओ इसको उसी फॉर्म में अगर हम लोग लाए तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0 है ना और y इज इक्वल टू माइनस 1/7x + 0 तो y इज इक्वल टू अब देखिए ये क्या हो गया m की वैल्यू हो गई c की वैल्यू 0 जब यहां कुछ नहीं था c की वैल्यू 0 हो गई ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स सी ओके और नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए फ्रॉम बी जब कंपेयर करेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी m की वैल्यू इज इक्वल टू -1/7 एंड c की वैल्यू इज इक्वल टू 0 ओके। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इसी तरीके से हमको और भी सॉल्व करने हैं जैसे हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं बी पार्ट हम लोग देखते हैं बी पार्ट हमारा कह रहा है 6x + 3y - 5 = 0 तो हमको सबसे पहले उस फॉर्म में लाना है तो y को हम लोग इधर ही रखते हैं 3y = -6x + 5 ओके नाउ नेक्स्ट अब y को रखते हैं तो -6/3x + 5/3 तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x + 5/3। अब ये क्वेश्चन नंबर ए है ये हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है कंपेयर करने पर m इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 5/3 तो सिंपल क्वेश्चन है इसी तरीके से क्वेश्चन अगर आता है हमारे रिड्यूस करने को इक्वेशन को और हमें उसको फाइंड करना है तो हमारा ये देख रहे हैं हम लोग जो स्लोप फॉर्मेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उससे हम लोग फॉर्म में लाकर उसको कंपेयर करेंगे तो हमको m की और c की वैल्यू हमको फाइंड होती रहेगी ओके ना होमवर्क में कुछ इक्वेशंस दे देते हैं हम होमवर्क चलिए अच्छा ये क्वेश्चन करा देते हैं फिर देंगे। चलिए थर्ड पार्ट अच्छा होमवर्क करिएगा आप लोग देखें सब लोग कर लेते हैं कि नहीं y इज इक्वल टू 0 दिया है सिंपल है कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है सिंपल है y इज इक्वल टू 0 दिया है अब यहां पर आपको m की वैल्यू कितनी होगी और c की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है ठीक है।
ना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से है, क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इसमें स्लोप की बात नहीं कर रहा है, यहां पर इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। यहां पर जो हमारा फॉर्म होता है, देखिए जब स्लोप इंटरसेप्ट लिखता तो यानी कि प्रवणता हमको फाइंड करनी है। अब हमको यहां पर क्या फाइंड करना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको जब हम लोग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। हम लोग ये जानते हैं, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्म होता है। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब 12 हो गया तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमको वही इक्वेशन उसी फॉर्म में बनेगी, प्लस 2y by 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12, ये 1 हो जाएगा। नाउ देखिए, 3 4 12, तो यहां पर क्या आ गया, 4x प्लस 2 6 12, 6y इज इक्वल टू 1। सॉरी ये ऊपर नहीं आएगा, अपॉन में आएगा, 3 4 12 है तो अपॉन में आ जाएगा, और ये y अपॉन 6 जाएगा, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी हमारी x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर a और b, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर a और b को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं। अब तो कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, ये a बराबर हमारा 4 हो जाएगा एंड b बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा a जो आएगा वो x एक्सिस पर होगा और जो b होगा हमारा वो y एक्सिस पर होगा, पॉइंट डन। तो यहां पर ये हमारा a जो वैल्यू आई वो x एक्सिस के लिए और b हमारी y एक्सिस पे, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सेकंड पार्ट इसका आप लोग सॉल्व करिएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये होमवर्क के लिए है। इसको इसी तरह फॉर्म में बनाएंगे, इसको फिर कंपेयर कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई करें, 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो इधर हमको 1 मिल जाएगा, इधर हमको 1/2 मिल जाएगा, इधर हमको 2 2 4 3 6 मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। तो उसी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ नॉर्मल फॉर्म हम लोग देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ओके। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बार इससे रिलेटेड, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन x माइनस थ्री वाई प्लस 8 बराबर 0। कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, इस इक्वेशन को किसमें करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब सारी कंडीशंस उसमें लिखी हुई हैं कि क्या क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, मेन जो है। अब जो हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे किस तरीके से, देखिए x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 बराबर 0 है दिया हुआ, ये हमारा
नाउ एक्स थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एट, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एट इधर गया माइनस में हो गया। ओके अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते क्या आता है। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब हो जाएगा अंडर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एट। नाउ वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो हमारी ए और बी की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं डिवाइड करने के लिए, ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ माइनस वन है, एंड प्लस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, वन प्लस नाइन नहीं थ्री, थ्री आएगा, अंडर रूट थ्री का आ जाएगा यहाँ पर, थ्री सॉरी अंडर रूट थ्री है यहाँ पर, अंडर रूट थ्री का थ्री हो जाएगा थ्री और प्लस वन, तो अंडर रूट फोर इज इक्वल टू टू, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, टू। तो अब इस क्या करेंगे, इस टू से हम इस पूरी इक्वेशन वन को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे दिया था, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट थ्री वाई इज इक्वल टू एट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को टू से हमने कहा डिवाइड कर देंगे, तो देखिए डिवाइड करने पर क्या आता है, ये आ जाएगा माइनस एक बटे दो एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बटे टू वाई इज इक्वल टू फोर। अब ये क्या हो गई इक्वेशन हमारी, इक्वेशन नंबर टू। और हमारी इक्वेशन जो जनरल होती है वो क्या होती है, एक्स कॉस नॉर्मल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब हम इसको अगर ये इक्वेशन वन है तो वन और टू को अगर कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई टू, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू, एंड पी की वैल्यू हो जाएगी हमारी फोर। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू, एंड पी इज इक्वल टू फोर। डन, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहां पर ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी, थीटा इज इक्वल टू कितने पर आएगी, 120 पर। ओके टेबल देख लीजिएगा, 120 पर आएगी और पी इज इक्वल टू हमारा फोर। तो यानी कि दोनों थीटा भी हमको फाइंड हो गया और उसकी जो डिस्टेंस थी ओरिजिन से वो भी हमको फाइंड हो गई। ठीक है, एंगल हमको फाइंड हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन P इज इक्वल टू फोर आ गया। ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इसी से रिलेटेड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन है माइनस वन कॉमा वन, फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, लाइन हमको दी हुई है 12x प्लस सिक्स बराबर फाइव वाई माइनस टू। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12x प्लस सिक्स बराबर फाइव वाई माइनस टू। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस बारह बहत्तर 72 फाइव वाई माइनस टेन। ओके तो इसको जब आगे इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस फाइव वाई ये आ जाएगा 12x माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस 72 माइनस टेन। या इसको इधर ही रहने देते हैं प्लस 72 और इसको इधर ले आते हैं प्लस 10। ओके और बराबर जीरो कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12x माइनस फाइव वाई प्लस बयासी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है ना, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब जो बिंदु के निर्देशांक थे वो क्या दे रखे हैं, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा वन। तो हमको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस इसका फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू यहां पर एक्स वन और वाई वन दिया हुआ है, ये एक्स वन हो गया ये वाई वन हो गया। नाउ ए की वैल्यू है हमारी 12 एक्स वन हो गया माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू दे रखी है माइनस फाइव
और वाई वन हो गया वन प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है 82 अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट माइनस ए की जगह पर है 12 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है माइनस फाइव का स्क्वायर डी की वैल्यू मॉड में जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा डी की वैल्यू जब इसको फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी -12 -5 +82 ओके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 82 में से 12 5 17 घटाएंगे तो अपॉन में 600 पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते क्या आता है +55 = 169 हो गया ये तो एंड ये आ जाएगा 82 में से -17 कटेंगे तो हो जाएगा 65 ओके अपॉन में ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 169 नाउ अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे डी इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा हमारा 65/169 किसका होता है मॉड हमारा चल रहा है अभी 13 का अंडर रूट होता है ना 13 × 13 = 169 तो ये कितना कट हो गया 13×65 तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई डी की वैल्यू 5 आ गई डिस्टेंस हमारी क्या आ गई 5 ओके तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे जब हमारा क्वेश्चन कह रहा होगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अगर हमारा कोई एक पॉइंट दिया हुआ है निर्देशांक उसका और फॉर्म लाइन का फॉर्म दिया हुआ है इस तरीके से तो हम लोगों का जो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो इस तरीके से फाइंड करेंगे ओके जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अगर दो बिंदुओं के बीच दूरी दे रखी हो तो अंडर रूट x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल ऑफ स्क्वायर उस तरीके से फाइंड करते हैं इसमें क्या होता है अगर हमको कोई लाइन दे रखी है और एक उसका कोई बिंदु दे रखा है तो उसके बीच हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस को फाइंड करते हैं इस तरीके से ओके नाउ स्टूडेंट्स फॉर्मूला है एक अगर दो पैरेलल लाइन दी हुई हैं यहां तुम्हारी एक लाइन की बात हो रही थी है ना फॉर्मूला हमारा कह रहा है देखिए यहीं देख लेते हैं क्वेश्चन बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर्मूला कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ये पैरेलल का साइन होता है पैरेलल लाइन अगर दो हमारी कोई भी पैरेलल लाइन दी है उसकी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे तो उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 - c2 अपॉन अंडर रूट a² + b² ओके c1 c2 कांस्टेंट टर्म है उसके और a स्क्वायर